प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र के द्वारा कुछ पैसा आता है, पिछले दो साल से पैसा नाम मात्र का मिला है, मतलब उसको बताना भी बिल्कुल 10 करोड़ के आसपास में राशि मिला है, मतलब एक बहुत लिमिटेशन से बहुत कम राशि मिला है। ज़्यादातर अपने यहाँ जो योजनाएं हो रही हैं, राज्य सरकार के द्वारा योजना हो रही है, नवाड के द्वारा हो रही है, इसी सबसे योजना हो रहा है। देखिए, कुर्डनी का चुनाव का रिजल्ट स्पष्ट है कि हम लोग भारी मतों से भाई मनोज कुशवाहा जी को चुनाव जीत रहे हैं, और चारों तरफ से एक ही मतलब ये है कि मतलब लंबे अंतर से मनोज कुशवाहा जी चुनाव जीते। बीजेपी लोग दावा कर रहे हैं कि कमल खिलेगा वहाँ पर। अरे बीजेपी लोग तो ऐसे ही कुछ ना कुछ दावा करते रहेंगे, उनके दावा के चक्कर में पड़िएगा तो आप लोग फेल कर जाइएगा। आप लोग एक बात मान के चलिए कि जो है हम लोग बहुत लंबे अंतर से चुनाव जीते। जयंत जी, आप भी कह रहे हैं शराबबंदी फेल है बिहार में, सब कह रहे हैं। देखिए, अगर कहीं एक कोई घटना घट गई तो उसके लिए अगर किसी कानून को फेल बताया जाता है तो ये बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। शराबबंदी बिहार में बिल्कुल सफल है। अगर आप कह रहे हैं कि कहीं एक घटना घटी है और कहीं एक घटना घट जाती है, उससे शराबबंदी फेल नहीं होगा। और बिहार में जो माहौल बदला है, आप पहले आप लोग भी देखते होंगे कि शराब जब मिलता था उस समय का क्या माहौल था और आज का क्या माहौल है। किसी ने ये तो नहीं कहा है कि आप शराब पियो। जो आदमी शराब पी रहे हैं उसको किसी ने शराब पीने के लिए नहीं कहा। कोई भी शराब नहीं मिलती 40 रुपए में, कोई घटना नहीं होती, 8 लोगों की जान नहीं जाती। ड्राइवर से ये पूछा जाए कि आपको शराबबंदी के बारे में पता था या नहीं, ड्राइवर से आप लोगों को ये पूछना चाहिए था कि बिहार में शराबबंदी लागू है, यहाँ किसी भी स्थिति में लीगल रूप से शराब नहीं मिल रहा है, तो उसको ये बात पता था कि नहीं। उसकी अपनी जिम्मेवारी है, वो पिए ना पिए, शराबबंदी है तो उसको अमल लाना प्रशासन की जिम्मेवारी है या उसकी अपनी जिम्मेदारी? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हर रोज आप लोग पेपर और मीडिया में हर रोज चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं शराब के जो है लोग पकड़े जा रहे हैं, शराब पीने वाले भी पकड़े जा रहे हैं, शराब बेचने वाले भी पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार शराब से लोगों की मौत हो, उस पर कार्रवाई हो रही है और अच्छी कार्रवाई हुई है, ऐसा कहीं कोई ये नहीं है कि हाँ। और ये अगर आप चाहते हैं कि गड़बड़ करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे तो ये देश दुनिया कहीं संभव नहीं है। ऐसा तो नहीं ना है कि अभी मुख्यमंत्री ने बैठक किया था, उन्होंने कहा कि अब पीने वाले को नहीं, जो सप्लायर उसको पकड़ा जाएगा, उसका ऐसा तो नहीं हो रहा है। लोगों का दबाव ये था कि शराब पीने वाले को थोड़ी कम सजा मिले, जो 6 महीने 8 महीने का जेल हो जाता था वो ना मिल के फाइन लगा के छोड़ा जाए और एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। आप समझ लीजिए, जो कानून बना है, छोड़ने का जो मौका मिला है, सिर्फ एक बार छोड़ने का मौका मिला है, दूसरी बार छोड़ने का मौका नहीं मिला है। फाइन लेके केवल एक बार छोड़ना है, दूसरी बार में जो कानून पहले से बना हुआ है वही कानून लागू होगा।